हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एली थियोरीज ऑफ जेम्स बर्नहम एंड ओर्टेगा वाई गैसेट। और ये एली थियोरीज का पार्ट 3 है। पिछले दो पार्ट्स में हम परेटो, मॉस्का, मिशेल्स और सी राइट मिल्स की एली थियोरीज को समझ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं जेम्स बर्नहम से। जेम्स बर्नहम एक अमेरिकन फिलोसोफर थे और एक पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 1905 में एंड ही डाइड इन 1987। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है रिलेटेड टू द एलीट थियोरी इज द मैनेजीरियल रेवोल्यूशन, जो कि पब्लिश हुआ था 1941 में। एलीट थियोरीज क्या होती हैं ये अगर आपने पिछले दो पार्ट्स देखे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ जो बर्नहम की एलीट थियोरी है, इट कंबाइंस द थियोरी ऑफ मार्क्सिज्म विद एलीटिज्म। तो ये मार्क्सिज्म और एलीट थियोरी का एक मिक्स है। सबसे पहले बर्नहम बताते हैं दैट पावर इज द मींस। उन्होंने पावर को एक जरिया बताया है ये आइडेंटिफाई करने का कि कौन एलीट है और कौन नहीं है, और इस पावर का आधार क्या है। इस पावर का आधार है द इकोनॉमी। जिनके भी पास कंट्रोल है ओवर द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर उन्हीं के पास में है। सो एज पर दिस थियोरी एलीट्स वो हैं जिनके पास कंट्रोल है ओवर द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने एलीट्स को इकोनॉमिक पावर से रिलेट किया है। सो बर्नहम एम्फसाइजेस ऑन द इकोनॉमिक पावर। Those who have economic power control the political sphere as well. उनका मानना था कि जिनके पास economic power है वो ही political sphere को भी control करते हैं। So as per this elite theory, economic power is supreme. And elites are the one who have the economic power. Since ये theory Marxism और elitism का एक mixture है, तो Burnham का मानना था कि capitalism खत्म हो रहा है। द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है इंटू वॉट, इंटू मैनेजीरियलिज्म। ये उनका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जेम्स बर्नहम के एलीट थियरी के कॉन्सेप्ट को मैनेजीरियल एलीट्स भी कहा जाता है या इकोनॉमिक एलीट्स भी कहा जाता है। बिकॉज उनका एक कॉन्सेप्ट था मैनेजीरियलिज्म, मैनेजीरियल एलीट्स और मैनेजीरियल रेवोल्यूशन का। देयर विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटलिज्म बाय द मैनेजीरियल एलीट्स। बर्नहम का मानना था कि कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक ऐसी सोसाइटी से जहां पर जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किनके द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे, वो कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा ही कंट्रोल किए जाएंगे जिन्हें कहा जाएगा मैनेजीरियल एलीट्स। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कैपिटलिज्म से ट्रांसफॉर्म होके सोसाइटी मैनेजीरियलिज्म की तरफ जाएगी, क्योंकि कंट्रोल किनके हाथों में होगा, कंट्रोल होगा मैनेजीरियल एलीट्स के हाथ में। उनका मानना था कि एक मैनेजीरियल सोसाइटी कैसी होगी। एक मैनेजीरियल सोसाइटी ऐसी होगी जिसमें मैनेजीरियल एलीट्स रूल करेंगे। वो एक बहुत ही कैपेबल एलीट क्लास होगी और अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी थ्रू कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसीज। सभी स्फेयर्स में ये मैनेजीरियल एलीट्स रूल करेंगे और इसी फिनोमेना को उन्होंने मैनेजीरियल रेवोल्यूशन का नाम दिया है। कि मैनेजीरियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, कैपिटलिज्म ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मैनेजीरियलिज्म में। एक मैनेजीरियल सोसाइटी बनेगी जिसमें मैनेजर्स जो हैं वो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर के इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट स्फेयर्स को, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पोजिशंस को ऑक्यूपाई करेंगे। सारी पावर उनके हाथ में होगी। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये मार्क्सिज्म से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, मार्क्सिज्म सबसे पहले क्या बात करता है। मार्क्सिज्म कहता है कि रेवोल्यूशन के बाद जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके हाथ में आ जाएंगे, प्रोलेटरी के हाथ में आ जाएंगे। लेकिन बर्नहम का मानना था कि रेवोल्यूशन के बाद मींस ऑफ प्रोडक्शन आ जाएंगे मैनेजीरियल एलीट्स के पास। साथ ही साथ बर्नहम के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी डिसअपियर नहीं होगी। ऑल्सो द स्टेट विल नॉट विदर अवे। स्टेट खत्म नहीं हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट की जो पावर है वो मैनेजीरियल सोसाइटी के हाथ में आ जाएगी, मैनेजीरियल एलीट्स के पास आ जाएगी। तो ये था जेम्स बर्नहम का इकोनॉमिक और मैनेजीरियल एलीट्स का कॉन्सेप्ट।
जिसमें वो एक मैनेजीरियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं जिसके थ्रू पावर्स आ जाती हैं मैनेजीरियल एलीट्स के हैंड्स में। नाउ अब आप सोच सकते हैं कि ये जो थ्योरी है ये बाकी एलीट थ्योरी से कैसे डिफरेंट है, लेकिन इसके लिए आपको पिछले दो पार्ट्स जरूर देखने पड़ेंगे। नाउ कम्स ओर्टेगा वाइगासेट्स द थ्योरी ऑफ मासेस एंड द थ्योरी ऑफ एलीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होजे ओर्टेगा वाइगासेट थे ये एक स्पैनिश फिलोसोफर थे जिनका बर्थ हुआ था 1883 में एंड ही डाइड इन 1955। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है दैट इज द रिवोल्ट ऑफ द मासेस जिसको 1929 में पब्लिश किया गया था। तो बाकी थिंकर्स की तरह इन्होंने भी माना है कि सोसाइटी डिवाइडेड होती है इनटू द चूजन पीपल एंड द रूल्ड मासेस यानी कि लीडर्स एंड द लेड और द रूलर्स और द रूल। कुछ में कैपेसिटी होती है लीड करने की और कुछ में कैपेसिटी होती है टू बी लेड, उन पर रूल किया जाए। ओर्टेगा लेज इम्पोर्टेंस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मासेस एज वेल। उनका मानना था कि मासेस या जो रूल्ड क्लास होती है जिन पर रूल किया जाता है जो कि मेजॉरिटी में होती है वो एक देश की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ ही साथ माइनॉरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज सोसाइटी इज अ प्रॉपर सोसाइटी व्हेन इट्स गिवन स्ट्रक्चर बाय द माइनॉरिटी। एक सोसाइटी प्रॉपर सोसाइटी तभी बनती है जब माइनॉरिटी उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो दोनों मासेस और माइनॉरिटी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। गैसेट की थियोरी को थियोरी ऑफ मासेस एंड थियोरी ऑफ एलीट्स इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने एलीट्स के साथ साथ मासेस की भी बात करी है और उन्होंने अपनी थियोरी में ये भी बताया है कि मासेस क्यों मासेस हैं, क्यों उन पे रूल किया जाता है। बिकॉज गैसेट का मानना था दैट द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय द इंटेलेक्चुअल एलीट। गैसेट का ओपिनियन था कि देशों में इंटेलेक्चुअल एलीट का रूल होना चाहिए, बुद्धिजीवी लोग, सो दैट एक देश में जो मॉब होता है उसके इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, भीड़ तंत्र को या मोबोक्रेसी को अवॉइड किया जाए। इसलिए एक सोसाइटी में पढ़े लिखे एलीट्स का रूल होना चाहिए जिनके पास इंटेलेक्ट होता है। एंड ही डिफाइंड लीडर्स एज द चूजन और सिलेक्टेड पीपल। ओर्टेगा का ये मानना था कि लीडर्स को उनकी अपनी नेचुरल क्वालिटीज से ज्यादा मासेस से या लोगों से जो सपोर्ट मिलता है वो एक अच्छा लीडर बनाता है। तो अगर एक ऐसा लीडर है जिसको लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उसके पास मासेस का सपोर्ट है, तो वो एक अच्छा लीडर है। दैट्स वाई द लीडर्स आर द चूजन पीपल। उनके पास लोगों का सपोर्ट होता है एंड दे हैव द कैपेसिटी द केपेबिलिटी टू लीड द पीपल। साथ ही साथ वो एलीट रूल को एक नेचुरल फिनोमेना मानते थे जस्ट लाइक द अदर एलीट थियोरिस्ट। यानी कि कैसी भी स्टेट हो, चाहे वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट हो या एक कम्युनिस्ट स्टेट हो, एलीट रूल हमेशा होगा, माइनॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी के ऊपर रूल करेगी। दैट्स व्हाट गैसेट सेज। इसके अलावा मैं यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ अबाउट गैसेट कि उनका मानना था कि मासेस जो होती है या मेजॉरिटी जो होती है वो बहुत ही मीडियोकर होती है। उनके पास ना इंटेलेक्ट नहीं होता है, इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो रूल कर सकें, इसलिए वो मासेस बन के रहते हैं, वो एलीट्स नहीं बन पाते हैं और इसी वजह से देशों में इंटेलेक्चुअल एलीट्स का रूल होना चाहिए। तो ये था ओर्टेगा वाइगासेट का एलीट थियोरी का कॉन्सेप्ट और इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी एलीट थियोरीज। हमने टोटल 6 थिंकर की एलीट थियोरीज को डिस्कस किया जिनमें आते हैं विल्फ्रेडो परेटो, गिटानो मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल्स, जेम्स बर्नहैम एंड गैसेट। सबने अपने अपने तरीकों से एलीट्स को डिफाइन किया, बट एक चीज है जो सभी ने मानी है कि सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड क्लास। जो रूल करती है वो माइनॉरिटी में होती है, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है उन पर रूल किया जाता है, क्योंकि पावर जो सारी होती है वो माइनॉरिटी के पास होती है, वो सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। साथ ही साथ सभी थिंकर्स का ये मानना है कि एलीट रूल जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है। कोई भी सोसाइटी हो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो या एक कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, हमेशा एलीट रूल ही होता है और होता रहेगा।
सो दीज वर द एलीट थियोरीज। उम्मीद है ये सभी की सभी थियोरीज आपको समझ में आई होंगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कलेक्टिवली इन सभी एलीट थियोरीज के फीचर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनकी सिग्निफिकेंस को और डिसएडवांटेजेस को भी हम समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।